हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2008 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। आपको कहा गया है अगर हम बूथ्स एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कितनी बारी एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, यानी कि नंबर ऑफ एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन कितनी है। 4 ऑप्शन गिवन है। आपको पता है बूथ्स एल्गोरिदम में नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेंट की जरूरत ही नहीं। सिर्फ मल्टीप्लायर को देख के ही हम ये बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे। बूथ्स एल्गोरिथम में 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, शिफ्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट। यहां पे सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है, शिफ्ट की बात ही नहीं की गई। अब देखो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप यहां पर एक 0 लिखो और देखो इस साइड को जाते वक्त 0 से 1 या 1 से 0 कितनी बारी चेंज हो रहा है। देखो 0 से 1 चेंज हुआ एक बारी, 1 से 0 चेंज हुआ फिर से, अब 0 से 1 यहां पे भी चेंज हुआ। अब देखो 1 से 1 नो चेंज, 1 से 1 नो चेंज, फिर 1 1 नो चेंज, अब 1 से 0 आया, एक चेंज यहां पे हुआ, एक यहां पे हुआ। इन सभी में नो चेंज, फिर यहां पे भी हुआ, 1 से 0 आया, 0 के बाद 1 आया, एक चेंज यहां पे हुआ। पैरेलली इन तीनों में कोई चेंज नहीं होगा, 1 to 1, 1 to 1, अब 1 to 0 आया, यानी कि एक चेंज यहां पे होगा। तो इतनी बारी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो काउंट करो, 3 और 3 6 7 8, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन बी, 8 बारी। अब 8 में से कितनी बारी ऐड हो रहा है, कितनी बारी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके लिए आपको चेंजेस देखने पड़ेंगे। 0 से 1 कितनी बारी हो रहा है और 1 से 0 कितनी बारी हो रहा है, वो भी देखते हैं। उससे पहले बात करते हैं शिफ्ट कितनी होंगी। देखो जितने बिट का ये मल्टीप्लायर है उतनी शिफ्ट्स होंगी, दैट्स इट। 4, 8, 12, 16 बिट का मल्टीप्लायर है, यानी कि इसमें 16 शिफ्ट्स हो रही हैं। तो इवन दो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं गया था, स्टिल वी आर डिस्कसिंग इट। एडिशंस कितनी होंगी उसके लिए बूथ्स कोडिंग ढूंढते हैं। बूथ्स कोडिंग की भी जरूरत नहीं। देखो जितनी बारी 0 से 1 चेंज आ रहा है उतने सब्ट्रैक्ट होंगे, जितनी बारी 1 से 0 चेंज आ रहा है उतने एडिशंस होंगे। स्टिल बूथ्स कोडिंग ढूंढते हैं, वहां से ये प्रोसीजर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने बूथ्स कोडिंग ढूंढ ली है। इस मल्टीप्लायर के लिए बूथ्स एल्गोरिदम ऐसी कोडिंग करेगी, यानी इस नंबर को हम इस नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ये मुझे कैसे पता चला? देखो 0 से 1 चेंज हो रहा है तो -1 लिखो, 1 से 0 चेंज हो रहा है तो 1 लिखो। यहां पे हमने एक इमेजिनरी 0 मान रखी है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, ये 0 मैंने खुद लगाई है। अगर आपने मेरे थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं आपको पता है इस 0 का क्या काम है। जो भी बिट हम एनालाइज कर चुके हैं वो बिट इस रजिस्टर में मूव हो जाती है, हमें प्रीवियस बिट की नॉलेज भी चाहिए होती है, उसी वजह से हम यहां पे एक 0 लिख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो रजिस्टर है इसमें 0 होती है। 0 क्यों होती है उसका भी रीजन है, बट फिर वही लेक्चर्स बार बार रिपीट होंगे, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब देखते हैं एडिशंस कितनी है, सब्सट्रैक्शंस कितनी है। 0 से 1 के लिए कोडिंग होती है -1, 1 से 0 के लिए कोडिंग होती है 1, फिर 0 से -1 आया, सॉरी 0 से 1 चेंज आया, यानी कि कोडिंग आएगी -1। अब 1 से 1 नो चेंज है ना, नो चेंज के लिए 0 लिख दो, यहां पे भी 1 से 1 नो चेंज, यानी कि 0, 1 से 1 नो चेंज तो 0। अब देखो 1 से 0 आया, यानी कि इतना नंबर देखने पर जब ये ट्रांजिशन आ रही है आपको लगेगा कि 0 का ब्लॉक शुरू हो रहा है। ऐसी कंडीशन के लिए जो कोड आता है वो है 1। अब अगली ट्रांजिशन देखो 0 से 1 आ रहा है, आपको लगेगा 1 का ब्लॉक शुरू हो रहा है, जो कि एक्चुअली हो रहा है। इस केस में -1 आता है, एंड सो ऑन। अब जितनी बारी -1 लिखा है उतनी बारी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि हमने 4 बारी सब्ट्रैक्ट किया। और 1 2 3 4, 4 बारी ही हमने ऐड किया। क्वेश्चन में पूछा था ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट दोनों मिला के कितने बनते हैं, तो 4 प्लस 4 हुआ 8, ऑप्शन बी सही है।